अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। विधानसभा चुनाव की आहट के चलते भाजपा ने आज अपने सारे विधायकों को मीडिया के सामने उतार दिया। इन जनप्रतिनिधियों ने वह सब बताया जो देश के पीएम मोदी व प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया है अथवा करने जा रहे हैं। लेकिन जब बात महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि और आम जन का दुभर होता जीवन संबंधी सवाल दागे गए तो कामोवेश सभी जनप्रतिनिधि इधर उधर या तो ताकने लगे या फिर कह बैठे कि यह देखना सरकार का काम है, उनका नहीं। रही बात किठौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतवीर त्यागी ने कही और कामोवेश यही भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, लेकिन घुमा फिरा कर। आइए देखते हैं। पर कंट्रोल नहीं है पेट्रोलियम पदार्थों पर, तो जिस समय इलेक्शन होते हैं या संसद चलती है तो उस दौरान नहीं बढ़ते हैं, तो एक सहयोग है या प्रयोग है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये कंपनियां जाने सरकार का ऐसे इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट कम होते हैं उस समय यहाँ बढ़ रहे होते हैं इंडिया। मैंने बताया ना, ये सब काम है कंपनियों का, इससे भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कुछ नहीं। सरकार का उन कंपनियों पर कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, कंट्रोल इतना ही है लेकिन दैनंदिनी के कामों पर या उनके रेट्स के संबंध में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि महंगाई कम होगी लेकिन अगले साल। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार गरीब लोगों को राशन दिलाने का काम तो कर ही रही है, महंगाई रोकने का काम भी सरकार कर रही है। वहीं आंदोलन चल रहे किसान नेताओं के साथ अब किसान नहीं है, ऐसे में वे भी बचकर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। नहीं, मुकाबला कैसे कर, सरकार उसके लिए व्यवस्था कर रही है और गरीब आदमियों को तो निशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम जो योगी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, जो महंगाई से सर्वाधिक इफेक्ट होता है, उस व्यक्ति को महंगाई का प्रभाव ना पड़े उसके दैनिक जीवन के रोटी रोजगार पर, यह काम योगी जी की सरकार ने किया है और महंगाई को रोकने के विभिन्न प्रकार के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी उसका प्रभाव सामने आया है। किसान नाराज नहीं है, बिल्कुल नहीं। सामान्य किसान जो खेत में काम कर रहा है उसका भाजपा से कोई नाराजगी नहीं। ये चंद नेता हैं जो लोग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और देख लीजिए आप कि जब किसान आंदोलन इन तीन बिलों के विरुद्ध शुरू हुआ था तब कितनी बड़ी संख्या थी इनकी, आज सिमट कर कहाँ रह गए। इसलिए अब तो वो रास्ता खोज रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए निकल चलने का। बाकी आम किसान भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं है। वहीं भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में यह कहा, हमको साथ दे, 2022 में हम लोग चुन हमारे मुख्यमंत्री बना के भेजे, योगी जी को बना के भेजे, उधर प्रधानमंत्री बना के भेजे ताकि आने वाले 5 साल बाद जो काम थोड़े बहुत 19 पूरे कर दे, रामराज कर दे, रामराज होगा, रामराज होगा, होगा। किठौर विधायक सतवीर सिंह त्यागी का यह कहना था, काट दिया जाता था, ये तमाम चीजें कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है और इस पे लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। पहले जो है सोतीगंज में क्या होता था, सोतीगंज में पूरे जिले के और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के वाहन आकर के आ जाते थे, लोग पीछा करते थे और वो काट दिए जाते थे। अब वो रोतीगंज हो गया, वहाँ के जो है वो शरण लेते घूम रहे हैं बेचारे लोग, वहाँ के व्यापारी उनको पता नहीं कहाँ है। इसी तरह से हमारे यहाँ राधना जैसा गाँव जहाँ 1 लाख के इनामी बदमाश, जहाँ मुंगेर की पिस्टल सप्लाई होती थी, ये मामला भी मैंने विधानसभा में उठाया और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया उसके बाद में अपराधी या तो जिला छोड़ गए हैं और या जेल में हैं। इसी तरह से पूरा हमारे जो कायस्थ बड्डा हमारे यहाँ का एक गांव है, वहाँ पशुओं की चोरी हो जाती थी और खेतों में काट दिया जाता था, अब वो कटान बंद हुआ है। इसी तरह से उलधन एक गाँव है हमारे यहाँ, वहाँ भी ये काम, वहाँ कई लोग ये काम करते थे, उनको जेल भिजवाने का काम करा और अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम किया, उनको संगीन धाराओं में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी उनको अपराधियों की धाराएं होती है उनमें जो है उनको संगीन धाराओं में जेल भेजने का काम किया। और हमारे जो पूर्व मंत्री जी थे वो क्या काम करते थे, जो उनके
उनके आसपास के लोग होते थे, जब वो बोकसी कराते थे, जब वो पशुओं की चोरी कराते थे, उनको थाने से छुड़वाने का काम करते। दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता के दौरान यह कहा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लगभग 4.5 वर्ष हमारे पूर्ण हुए हैं कल 19 सितंबर को, आज उसी के क्रम में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। ये हर्ष का विषय है कि 2017 में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाए, जहां उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को एक गरीब राज्य के रूप में देखा जाता और बीमारू राज्य के रूप में जिसको संज्ञा दी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में, हम बात करें कानून व्यवस्था की, हम बात करें आज आर्थिक क्षेत्र में, आज औद्योगिक क्षेत्र में, आज उत्तर प्रदेश जिस विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, आप देखते होंगे कि सरकारों का जाल, सड़कों का जाल सरकार के द्वारा जिस तरफ से, यदि मैं मेरठ की बात करूं तो 5 हाईवे आप मेरठ के चारों तरफ दी गई। ये थे वे दावे जो भाजपा के मौजूदा जन प्रतिनिधियों ने किए। देश के पीएम मोदी, प्रदेश के मुखिया योगी के शान में सभी ने कसीदे पढ़े। लेकिन अब वक्त आ गया है जब जनता को देखना है कि ये दावे सच्चाई की कसौटी पर कितना खरा उतर रहे हैं। वादे हैं वादों का क्या, कि तर्ज पर दावे हैं दावों का क्या, या फिर और भी बहुत कुछ। फर्स्ट बाइट टीम जल्द ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर तलाशेगी जमीनी हकीकत का सच। देखते रहिए firstbite.tv। और हाँ, निष्पक्ष खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट टीवी के साथ। इसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।